क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहाँ है इसको भी हम नागरिक बना दें? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहाँ नागरिकता दे देंगे? मान्यवर, लोकसभा में चर्चा चली, कुछ अखबारों के मैंने आर्टिकल भी पढ़े हैं, एक बहुत बड़ी भ्रांति फैलाई जा रही कि बिल माइनॉरिटी के खिलाफ, ये बिल विशेषकर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं, जो इस देश के मुसलमान है इसके लिए इस देश के अंदर कोई चर्चा का, कोई चिंता का सवाल ही नहीं है। वो नागरिक है, रहेंगे, उनको कोई प्रताड़ित नहीं। मगर आप चिंता किसकी कर रहे हो? किसकी चिंता कर रहे हो? पाकिस्तान से? क्या आप चाहते हो कि पाकिस्तान से भी जो मुसलमान यहां है इसको भी हम नागरिक बना दें? बांग्लादेश से जो मुसलमान आए इसको भी नागरिक बना दें? अफगानिस्तान से भी जो मुसलमान आए वो नागरिक बना दें? तो क्या कहना चाहते हो? पूरी दुनिया में से जो भी मुसलमान आएगा इसको हम यहां नागरिकता दे देंगे? किस तरह से देंगे? देश कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चल सकता। ये निश्चित वर्ग के लिए है, जिनके धर्म के अनुसरण के लिए वो ये तीन राज्यों में अनुकूलता नहीं है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। वो तीन देशों के अल्पसंख्यकों को ही नागरिकता देने का प्रावधान है। और मैं आज जो लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं उनको ये पूछना चाहता हूं कि कृपया आप मुझे ये बताइए, मैं जब जवाब देने खड़ा हूंगा तब पूरी चीजें डिटेल में बताऊंगा, आपके एक एक जो शंकाएं हैं, सवाल है, आपका एक एक स्पष्टीकरण जो मांगेंगे वो सब स्पष्टीकरण करूंगा। मगर मैं इतना बताना चाहता हूं कि लाखों करोड़ों लोगों पर जो प्रताड़ना हुई है मान्यवर, वो जाए कहां? कहां जाए? उनको जीने का अधिकार है या नहीं? हम देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते? वो किसी देश के नागरिक बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए? ये धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर जो लोग आए हैं उनको नागरिकता देने का सवाल है। यहाँ के माइनॉरिटी और विशेषकर किसी भी मुसलमान को चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये मैं स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं। किसी को भी चिंता करने की, कोई आपको बरगलाए, कोई डराए, डरिए मत। ये नरेंद्र मोदी सरकार है और संविधान के स्पिरिट के साथ चल रही है, माइनॉरिटी को पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा, इसमें किसी को आप सुनिए, बाद में जब आपको मौका मिलेगा आप अपने बोलना बढ़िए। मेरा सभी विपक्ष के माननीय सदस्य बैठे बैठे बोल रहे हैं, उनको चुनौती है कि जब आपको बोलने का मौका मिले मुद्दा के साथ पॉइंट उपस्थित करिएगा। मैं हर एक चीज का जवाब देने के लिए बाध्य भी हूं, तैयार भी हूं और दूंगा, बशर्ते आप बैठिएगा, चले मत जाइए। आप बैठिएगा, मैं हर एक चीज का जवाब दूंगा। मान्यवर, मैं बिल के कुछ प्रावधानों को बताकर मेरा प्रारंभिक भाषण समाप्त करूंगा। मान्यवर, ये बिल के अंदर हम जो नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 2(1)(ब) में जो प्रावधान है कि पासपोर्ट, वीजा और ट्रैवल दस्तावेज के बगैर जो प्रवासी भारत में आते हैं या जिनका पासपोर्ट और वीजा एक्सपायर कर जाता है, कालबाह्य हो जाता है, उनको अवैध प्रवासी माना जाता है। अब हम इसके अंदर सुधार लेकर आए हैं मान्यवर, और अब ये जो मैंने 6 वर्ग कहे, हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई, ये जो 3 देशों से आते हैं उनको अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा।